बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सबसे ताजा और सबसे बड़े यहां पर जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि आंकड़े जो है वोटिंग के पहले के यहां पर हैं और सबसे ताजा यहां पर है, क्योंकि अक्टूबर माह का ये महासर्वे है और सर्वे में बड़ी कंपनियों ने अपने ताजा आंकड़े रख दिए हैं और आंकड़ों के बाद बिहार में कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री, इस पर आपको सटीक आंकड़े देने वाले हैं। क्या होने वाला बिहार के अंदर, की बनने वाली है सरकार, क्या नीतीश कुमार बरकरार रहेंगे या फिर वापसी होगी तेजस्वी यादव की, इस पर बड़े यहां पर जो कंपनियां जो सर्वे करती हैं उन्होंने अपने साफ आंकड़े रख दिए हैं और साफ आंकड़ों के आधार पर किसका कितना पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर के लिए, जबकि 3 और 7 नवंबर को दूसरे तीसरे चरण का मतदान है, 10 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। वोटिंग के पहले कई बड़ी कंपनियों ने जो ताजा आंकड़े दिए हैं उनके अनुसार क्या होने वाला बिहार के अंदर बता दें। सबसे पहले यहां पर अगर बात करें तो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा, कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा 144 सीटों पर आरजेडी तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो कांग्रेस 70 सीटों के साथ यहां पर महागठबंधन दूसरी बड़ी पार्टी, और यहां पर बात की तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ एनसीपीआई माले जो है 19 सीटों पर यहां पर चुनावी मैदान में होगी, जबकि सीपीआई जो है 6 सीट और सीपीआई एम जो है वो 4 सीटों पर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है। अब गठबंधन होने के बाद अब कितनी सीटें इन दलों को मिलने वाली हैं, इस पर आपको कई बड़ी कंपनियों के ताजा आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि आंकड़े जो है अक्टूबर माह के हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एनडीए गठबंधन में क्या कुछ हुआ है, एनडीए अगर गठबंधन की बात करें तो यहां पर जेडीयू सबसे ज्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर, तो यहां पर बात करें तो वीआईपी पार्टी को 11 सीट यहां पर दिए हैं और यहां पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 7 सीटें यहां पर चुनाव लड़ने के लिए दी गई हैं। अब इनको कितनी सीट यहां पर मिल सकती है, इसके अलावा अन्य कितना मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ, क्योंकि एलजेपी अलग हो चुकी है, मायावती जी और ओबीसी पार्टी यहां पर एक नया गठबंधन के तौर पर यहां पर चुनावी मैदान में होंगे, तो कितना नुकसान किसको हो सकता है, इस पर आंकड़े कई बड़ी कंपनियों ने रख दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम्स नाम सी वोटर के अनुसार क्या कुछ आंकड़े हैं, सैंपल साइज की बात करें तो 12,843 लोगों का यहां पर सैंपल साइज लिया गया है, और ये जो सर्वे है उसकी अगर ताजा आंकड़े 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच ये महासर्वे किया गया है और सभी 243 सीटों पर सर्वे है। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का वोट शेयर किसके खाते में जा रहा है, कितनी सीटें किसको मिल सकती है, इसके आंकड़े आपको देने वाले हैं। 2020 के लिए बीजेपी को सबसे ज्यादा 33.8% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि जेडीयू के लिए 14.7, आरजेडी को 24.3, कांग्रेस के लिए 11.7, एलजेपी को 6.7 और अदर जो पार्टी है उनके लिए 9.1% वोट शेयर मिलने की संभावना है। अब गठबंधन में अगर इसे बदल दिया जाए तो यहां पर बात करें एनडीए गठबंधन को 48.2% वोट शेयर मिलने की संभावना है, जबकि 36% वोट शेयर यहां पर यूपीए गठबंधन को मिलने की संभावना है, जबकि 15% वोट शेयर अन्य को जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी एलजेपी बन सकती है, इसमें कुछ और अन्य पार्टियां ओबीसी भी शामिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो ओपिनियन पोल है इसमें कई मुद्दों को लेकर भी चुनावी मैदान में जो है ये सर्वे किया गया है उसके आंकड़े देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लोगों से पूछा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है, जवाब है 49% लोगों ने माना है कि सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी का है, इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा 49% यहां पर नौकरी का है, जबकि 12.7% लोगों ने बिजली पानी सड़क का मुद्दा, जबकि भ्रष्टाचार सिर्फ 8.7% लोगों के लिए मुद्दा रहा है, जबकि 7.1% लोगों ने महिला सुरक्षा एवं 6.7% लोगों ने शिक्षा मुद्दा यहां पर उठाया है। दूसरा सवाल है जेडीयू प्लस बीजेपी की जो सरकार है उससे जनता कितनी खुश है, उसके जवाब में 43.6% लोगों ने इसे खराब कहा है कि यह सरकार खराब है, जबकि 49% लोगों ने इस सरकार को अच्छा माना है, जबकि 27% लोगों ने इसे औसत कहा है। इसके अलावा तीसरा बड़ा सवाल है कि लोगों से जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन को कैसे आंकते हैं, इसके जवाब में 50% लोगों ने कहा है अच्छा उनके कामकाज को आंकते हैं, 28% लोगों ने इसे खराब कहा है, जबकि 20% लोगों ने इसे औसत कहा है। सीएम नीतीश कुमार के प्रदर्शन को लेकर जो आंकड़े हैं 28% लोगों ने इसे अच्छा माना, जबकि 42% ने खराब और 29% लोगों ने इसे औसत आंकड़ा कहा है। एक और अन्य जो सवाल लिया गया सीएम के रूप में कौन सबसे अच्छा उम्मीदवार है, 32% लोगों ने नीतीश कुमार का नाम लिया, जबकि दूसरे नंबर पर 17.6% तेजस्वी यादव को, जबकि 12% लोगों ने यहां पर सुशील मोदी को भी चुना है। अगला सवाल नीतीश कुमार के सरकार से नाराज हैं लोग, इस बार जब सवाल पूछा गया 54% लोगों ने कहा है कि हाँ नाराज हैं और इसे बदलना चाहते हैं,
29 सीधी लोगों ने कहा है कि नाराज हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते, वहीं 15% लोगों ने कहा है कि वो नाराज हैं और ना ही वो बदलना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार के लिए जो सर्वे निकल कर आया है। अब देखिए टाइम्स नाउ के अनुसार जो सर्वे किया गया है, जो अक्टूबर माह में ही सर्वे किया गया है, इसके अनुसार सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को ज्यादा लोगों ने यहां पर कहीं ना कहीं खराब प्रदर्शन उनका माना है, लेकिन बीजेपी इसका फायदा यहां पर मिल रहा है और बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा 85 सीटें यहां पर बीजेपी को मिलने की संभावना टाइम्स नाउ के अनुसार है। जेडीयू के लिए 70 और एनडीए जो अलायंस है उसके अन्य सहयोगी को 5 सीटें, जबकि यूपीए गठबंधन की अगर बात करें इसमें कांग्रेस को 15 सीट जबकि आरजेडी को 56 सीट मिलने की संभावना है। लेफ्ट के लिए 5 सीट यहां पर मिल सकते हैं और यहां पर एलजेपी को 5, उधर के लिए 2 सीटें मिल सकती हैं 243 सीटों के लिए। अगर यहां पर गठबंधन के तौर पर देखा जाए तो 160 सीट यहां पर एनडीए गठबंधन को यहां पर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है 2020 के लिए, जबकि यूपीए गठबंधन को 76 सीट मिलने की उम्मीद यहां पर टाइम्स नाउ के अनुसार है और 7 सीट अन्य के खाते में 243 सीटों में मिलने की संभावना यहां पर निकलकर सामने आ रही है। इसके अलावा अगर जो सी वोटर ने सर्वे किया था उसके आंकड़े क्या कहते हैं, सी वोटर के अनुसार सबसे पहले पसंद की बात करते हैं तो नीतीश को यहां पर 31 सीटें, लालू यादव को 8%, तेजस्वी यादव को 15% और सुशील मोदी को 9% लोगों ने यहां पर सीएम के तौर पर माना है। अब देखिए सीएम नीतीश कुमार को लेकर जो यहां पर उनका प्रदर्शन है उस पर देखिए अच्छा कहते हैं 28%, औसत 27, खराब कहते हैं 45%। इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। अब देखिए अगर आंकड़े देखें तो नीतीश विलास उनकी सहयोगियों के लिए यहां पर 141 से 161 सीट मिलने की संभावना है। सी वोटर एबीपी न्यूज के अनुसार लालू प्रसाद यादव को 64 से 84 सीटें और अन्य को 13 से 23 सीटें मिलने की उम्मीद इन 243 सीटों में से लगाई जा रही है। इसके अलावा अन्य जो ओपिनियन पोल है उनके अनुसार महागठबंधन को 123 सीटें इस ओपिनियन पोल में दिखाई गई है, जबकि एनडीए को 109 सीटें मिलने की उम्मीद इस वक्त दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए यह सर्वे निकल कर सामने आया है। अब देखिए बिहार के लिए अगर बात करें तो यहां पर बीएमआर जो 9 भारत वर्ष है उसने भी अपना सर्वे दिया था, उसके अनुसार यहां पर देखें तो यहां पर अपर कास्ट किसके साथ है, ओबीसी किसके साथ है, एससी और मुस्लिम समुदाय किसके साथ है। 2019 में अपर कास्ट जो है वो एनडीए को 72% सपोर्ट किया था जबकि आरजेडी को यहां पर 10%, और 2020 में क्या है एनडीए को 73% यानी 1% का इजाफा हो रहा है और आरजेडी को 24% यहां पर अपर कास्ट वोट शेयर दे सकती है। इसके अलावा ओबीसी जो आल वर्ग है सभी को मिला दिया जाए, 2019 में एनडीए को 56%, आरजेडी को 28% यहां पर वोट शेयर मिला था, जबकि 2020 में एनडीए को 48% और आरजेडी को 36% वोट शेयर मिलने की संभावना है। और यहां पर एससी वर्ग की अगर बात की 2019 में एनडीए को 63% और आरजेडी को 18% वोट शेयर मिला था, जबकि 2020 की अगर बात करें तो एनडीए को 41% और आरजेडी को 42% वोट शेयर मिल सकता है। मुस्लिम वर्ग की अगर बात करें तो 2019 में एनडीए को 13%, आरजेडी को 65% वोट शेयर यहां पर मिला था, जबकि 2020 में एनडीए के लिए यहां पर 20% और आरजेडी को 70% यहां पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो यहां पर सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि ओबीसी के चुनावी मैदान में उतरने से आरजेडी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, ये सर्वे के आंकड़े हैं। इसके अलावा एक और जो नया ओपिनियन पोल निकल कर सामने आया है जो यहां पर वीडीपीए की जो कंपनी है उसने जो यहां पर आंकड़े दिए, एनडीए को 109 से 138 सीटें मिलने की उम्मीद है एनडीए जो गठबंधन है, जबकि आरजेडी को 73 से 97 सीटें मिलने की उम्मीद इस ओपिनियन पोल में दिखाई गई है। यानी तो दोस्तों बिहार के लिए कई बड़ी कंपनियों ने अपने ताजा आंकड़े दिए हैं, लेकिन ये तो ताजा आंकड़े हैं, आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ताजा आंकड़ों के हिसाब से एक बार फिर से एनडीए गठबंधन यहां पर वापसी कर रही है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंदर जो आंकड़े हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन की होगी वापसी या फिर बरकरार रहने वाला है एनडीए गठबंधन, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इसी प्रकार की और अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।